नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम। पौराणिक कथाओं में देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी, जिसमें निकले अमृत को देवतागण पी लिए थे और विष का भगवान शंकर ने पान कर डाला था। भारत समुद्र मंथन की उस पौराणिक कथा को एक बार फिर से साकार करने जा रहा है और इसके लिए समुद्रयान को सागर में 6000 मीटर की गहराई में भेजे जाने का खाका तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गगनयान कार्यक्रम की तर्ज पर समुद्रयान मिशन के तहत गहरे सागर के रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए 3 मानव को 6000 मीटर से अधिक गहराई में समुद्र में भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि बड़ी मात्रा में दुर्लभ धातुएं, खनिज एवं अन्य संपदा समुद्र से मौजूद है, जो कि बरामद होने की उम्मीद है। और अगर ये सभी चीजें भारत को मिल जाती हैं, हाथ लग जाती हैं, तो भारत चीन अमेरिका सहित कई देशों से आगे निकल जाएगा और तमाम देशों को पिछाड़ देगा। दरअसल भारत अपना पहला मानव युक्त समुद्री मिशन भेजने की तैयारी में जुट गया है, जिसे समुद्रयान नाम दिया गया है। इस मिशन में स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 में 3 व्यक्तियों को पानी के भीतर 6000 मीटर की गहराई तक भेजने की योजना बनाई गई है। अंतरिक्ष की तरह ही समुद्र भी रहस्यों को समेटे हुए है। दुनिया भर में समुद्र को लेकर कई खोजें हुई हैं। अब इस कड़ी में भारत भी अपना मिशन भेजने की तैयारी में जुट गया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि समुद्रयान मिशन क्या है, मिशन को लेकर अभी तक क्या हुआ है और इसका उद्देश्य आखिर क्या है, समुद्रयान को कब तक भेजा जाएगा, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। समुद्रयान मिशन क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। समुद्रयान एक शबर शिरबल है जिसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। इसे बनाने के लिए टाइटेनियम एलॉय का इस्तेमाल किया गया है। इसका व्यास 2.1 मीटर है। यह 12 घंटे के लिए 3 इंसानों को 6000 मीटर की समुद्री गहराई में ले जाएगा। इसमें 96 घंटे की इमरजेंसी इंड्यूरेशन है और इसके सभी हिस्से फिलहाल बनाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस मिशन की लॉन्चिंग 2026 में होगी। सफल लॉन्चिंग के बाद भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के इलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। इन देशों के पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन उपलब्ध हैं। अक्टूबर 2021 में चेन्नई से भारत के पहले मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया गया था। इस पूरी समुद्रयान परियोजना के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। मिशन को लेकर अभी क्या हुआ है, यहां ये आपके लिए जानना भी जरूरी है। सोमवार को समुद्रयान मिशन से जुड़ी तस्वीरें सामने आई। मिशन में इस्तेमाल होने वाली मत्स्य 6000 की तस्वीरों को साझा करते हुए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि इसका निर्माण चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान में किया जा रहा है। इसके साथ ही मंत्री ने आगे बताया है कि समुद्रयान में गहरे समुद्र के संसाधनों का अध्ययन करने वाली योजना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को अस्त व्यस्त नहीं करेगी। यह योजना प्रधानमंत्री की नीली अर्थव्यवस्था वाली नीति पर समर्थन करती है। समुद्र के अंदर क्या करेगा समुद्रयान? समुद्रयान का उद्देश्य गहरे समुद्र में खोज और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के जरिए इंसानों को भेजना है। आमतौर पर पनडुब्बियां केवल 300 से 400 मीटर तक ही जा पाती थी। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 4100 करोड़ रुपए है। यह समुद्र के अंदर गैस, हाइड्रेट्स, पॉलीमेट्रिकल मैग्नीज मॉड्यूल और हाइड्रोथर्मल सल्फाइड जैसे संसाधनों को खोजने के लिए भेजा जाएगा। ये चीजें 1000 से 5500 मीटर के गहराई में पाई जाती हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि लाभ के रूप में मिशन से वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा इस मिशन से संपत्ति निरीक्षण, पर्यटन और समुद्री साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।